यूपी सरकार के आदेश के बाद 15 अप्रैल से किसानों की फसलों को खरीदने के लिए प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। मैनपुरी में खोले गए क्रय केंद्रों पर किसान बहुत ही कम संख्या में अपना अनाज लेकर पहुंच रहे हैं। कई क्रय केंद्र खाली नजर आए। लॉकडाउन के चलते किसान अपनी फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिसके चलते किसान क्रय केंद्रों पर कम ही नजर आ रहे हैं। कि मैनपुरी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी किसान अपनी किसानी खेती गेहूं लेकर नहीं आ रहा है। हालांकि ये खौफ किस बात का है, लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ अभी मंडी सचिव मौजूद हमारे साथ में, आइए बात जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों क्रेकेंट नहीं खुल पा रहे हैं या जो खुले हैं उसमें क्यों नहीं माल आ रहा है। सचिव साहब, क्या दिक्कतें आ रही हैं मंडी में, जो क्रेकेंट आपने खोले हैं वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाए हैं और जो खुले हैं उन पर माल नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? मंडी समिति के अंदर 4 क्रेकेंट खोले गए हैं, एक FCI, एक एग्रो और एक क्रय विक्रय संघ का है, एक RFC का है। RFC के यहाँ पे आवक शुरू हो गई है, इस समय कटाई कम हो रही है, इसलिए किसान कम आ रहा है, 2-3 दिन में रफ्तार उस पर बढ़ जाएगी। हालांकि अभी मैंने अभी जो चेक किया है मंडी में, जो बताएं 4 केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक ही केंद्र पर कुछ गेहूं नजर आ रहे हैं और लेकिन किसान वहां पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये वास्तविकता क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप ये बताइए कि जो बाकी केंद्र उन पर क्यों माल नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? सरकार का खास निर्देश है कि आप किसानों को बुलवाएं, उनको सुविधाएं दें और उनका माल खरीदें। अखबारों के माध्यम से किसानों को अवगत कराया गया है कि 15 तारीख से सेंटर चालू हो रहे हैं और किसान अभी उस समय अपना कटाई में लगा हुआ है, कटाई कराने के उपरांत ही माल लेके आए। वही सूबे के मुखिया लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, उसके बावजूद आपके ऑफिस में देखा गया कि कुछ कर्मचारी न मास्क लगाए थे न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। मैं इस समय ऑफिस में नहीं था, अभी जाके देखता हूँ, जाके अगर ये स्थिति है तो मैं अब टाइट करता हूँ। अगर ये ढीला रवैया कब तक चलेगा? नदीम सिद्दीकी, R9।